हेलो गाइस, मैं तेज, आप सभी को नमस्कार। और अभी हम ब्लड बाजार से निकल चुके हैं गाइस। आज हम एक सफर पे निकले और हम कहाँ जा रहे हैं हमको कुछ पता नहीं। हमारे जेब पे भगवान की कसम खाते एक रुपया भी नहीं है, और देखते क्या कुछ होता है। अभी फिलहाल ब्लड बाजार से आगे निकल चुके हैं, तो चलिए चलते सफर में क्या कुछ होता है। दोस्तों, अभी हमारी गाड़ी के मीटर की जो रीडिंग है 1,04,471 है, और अभी हम थोड़ी दूरी सफर करके अभी हम पहुंच चुके हैं लाहौद। और अभी हम गाड़ी पे टायर पे हवा डलवाने वाले। और आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से है, तो हमारे पास जो कैश बिल्कुल भी नहीं है, केवल ऑनलाइन है। तो यहाँ से अभी हम हवा डलवाने के बाद आप पहुँचे उमंग होटल पे, और यहाँ पे जो सेव काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक कि जो लवन वाले यहाँ से परचेस करके लेके जाते हैं, तो आप भी ट्राई है जरूर कीजिएगा। और अभी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं नाश्ता, सेव नाश्ता अपने भाजक के लिए, तो चले चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों, भी हम लवन है पहुँचने वाले, और ये जो चौक आप देख रहे हैं ये खरतोरा नाका मोड़ है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के सामने आपको एक चाय नाश्ता दुकान दिखाई देगा, यहाँ पे जो चाय काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों, हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं चाय पी के ही गुजरते हैं, तो एक बार आप भी जरूर टेस्ट ट्राई कीजिएगा। और मॉर्निंग के टाइम पे लवन का जो सीन है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम लवन से निकल पड़े हैं सरखोर के लिए। और दोस्तों, ये रहे हमारे मनोज भाई का घर पैगरा निवास, चलिए चलते हैं। और ये रहे हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भांचे लोग, कहाँ से खेल कूद के आ रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारे मनोज भाई जो अपनी पूरी फौज लेके डबरा छिड़ने मछली पकड़ने आए हुए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे जो तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है। और दोस्तों, ये सरखोर का जुंदरा डैम, जहाँ पे हम कभी कभी एक साल पहले वक्त निकाल के नहाने के लिए आया करते थे। और ये रहा खूबसूरत सचिन। दोस्तों, ये जो पुल आप देख रहे हैं ये है जुंदरा पुल शिवनाथ नदी, जहाँ पे कुछ भी होता है, कभी ट्रक नीचे उतर जाते हैं नहाने के लिए, तो कभी कुछ होता है। और दोस्तों, ये है चौक जुंदरा चौक, और यहाँ पे हम सामने जो दुकान है वहाँ से नाश्ता कर लेंगे, जहाँ से अभी हम जाएंगे बाबा यहाँ परसोड़ी, जो हमको कभी मिस कॉल कर करके याद करते थे। तो चले चलते हैं परसोड़ी की ओर। और कैसे भी हम पहुंच चुके हैं परसोड़ी अपने बाबा के यहाँ। और ये रहे हमारे बाबा, जिनका लगभग 90+ एज है, चल रहा है, काफी स्वस्थ और मस्त हैं, जिनके साथ हम चाय पीते आपको नजर आएंगे। और दोस्तों, ये रहा गांव घर का बाड़ी, चारों तरफ आपको हरियाली, साथ चारों तरफ आपको लहलाते हुए धान आपको देखने को मिलेंगे, काफी खूबसूरत सा सीन आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, ये क्या है कमेंट पे जरूर बताइएगा। और अभी हम निकल पड़े फरसोड़ी से बसंतपुर अपने नन्ने मुन्ने भतीजे को देखने के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं बसंतपुर, और ये रहा हमारा नन्ना मुन्ना भतीजा, जो कि फिलहाल सो रहा था। और अभी हमें खाने में स्पेशल मिला है, वो है फुटू की सब्जी। और गाइस, अभी हम अपने मामा घर तनाव से घूमते फिरते अभी हम वहाँ पहुंचे खरौद लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको भी लेके चलता हूँ, और जो लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है उनकी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ शिवरी नारायण त्रिवेणी संगम के तट के किनारे स्थित सबरी माता के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आज मैं आपको साक्षात सबरी माता के दर्शन कराने वाला हूँ। और दोस्तों, अभी हम सबरी माता दर्शन के बाद अभी मैं पहुंचा हूँ मेला स्थल पे, जहाँ पे काफी बड़ा भव्य पंडाल है तैयार किया जा रहा है इस साल नवरात्रि के। अगर आप यहाँ की ड्रोन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और गाइस, अभी हम निकल पड़े हैं शिवरीनारायण से गिरौदपुरी धाम जैतखाम दर्शन के लिए। और ये रहा जैतखाम, जो कि काफी प्रसिद्ध है, आज मैं सेकंड टाइम ऊपर चढ़ने लगा, तो चलिए चलते ऊपर। और यहाँ से आसपास का जो खूबसूरत सा सीन है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ ऊपर से आपको चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई देगी, चलिए चलते नीचे की ओर मेन मंदिर की ओर। और दोस्तों, ये है मुख्य मंदिर। और चलिए गाइस, चलते घर की ओर। सुबह से निकले थे, अभी शाम का वक्त हो चुका है, साथ ही साथ जो पानी बरसात का मौसम है कभी भी फंस सकते हैं, तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, काफी लंबी लाइन है, गाड़ियां जाम है लगा हुआ है। और दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए बने रहे, जय हिंद।